यो क्या कह रहे हैं आप? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मोमबत्ती मनहूस है। अरे यो, कैसी बात कर रहा है तुम्हारा पेंटर? अंकल जी ठीक हो? कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा तुम्हें। लो भाई अभी इसी वक्त मोमबत्ती मनहूस है। अरे अरे चलो मेरे साथ। अरे काका। अबे इनमें चौटाला वो कहाँ लेके चला गया? क्या है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसको देख के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यो तो मैं हूं। हाँ ये तुम्हें हो वसुंधरा। मोमबत्ती मनहूस है। मैं पेंटर अंकल, ये वसुंधरा ना है, ये चंद्रमुखी चौटाला है, समझ गए? मैं समझ गया। मतलब चुपचाप हमें बिना बताए आपने यहाँ पर आके पेंटिंग भी बनवा ली है? मैंने कोई पेंटिंग ना बनवाई कहीं। Well, तो आपकी पेंटिंग यहाँ आ गई। How is the? आधा पागल है मेरा ताऊ is the? पेंटर अंकल, ये बताइए आपने ये पेंटिंग कब, कैसे और क्यों बनाई? हैं? ये पेंटिंग मैंने 30 साल पहले बनाई थी। आंधी बीच तूफान है, चला गया मेहमान है, मोमबत्ती मनहूस है। मैडम आप 30 साल पहले भी इतनी बड़ी थी? यो वसुंधरा कौन है? ये वसुंधरा मेरी वसुंधरा, जिसकी पेंटिंग मैंने आज से 30 साल पहले बनाई थी और तब से अपने आप को कोस रहा हूं कि क्यों बनाई मैंने वसुंधरा की पेंटिंग, क्यों? लेकिन अब पछताए का होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत आधी मुट्ठी मिट्टी की, आधी मुट्ठी रेत। मोमबत्ती मनहूस है और मैं इस दुनिया का सबसे मनहूस पेंटर। देखो बाबा, मन ने जो है बात पूरी समझ में आ गई। ये लेडीज और महारी जो है सकल सेम है, बेसिकली लुक अलाइक, लाइक सीता और गीता। दैट्स राइट। तुम वसुंधरा का पुनर्जन्म हो, मुझे माफ कर दो वसुंधरा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने हाथों से सजा दो।
मेरे जिद करने पर तुमने अपनी पेंटिंग मुझसे बनवाई थी, ये जानते हुए भी कि मैं मनहूस पेंटर हूँ। जिस जिस की पेंटिंग बनाता हूँ उसका मौत खा जाती है, जिस तरह वो सुंदरा तुमको मौत खा गई। देखो बाबा, अभी ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। मैं तुम्हें बता दूं क्लियर कि मन्ने जो है किसी अंधविश्वास, पुनर्जन्म, मनहूस, अपशगुन इन सब में हमारा कोई यकीन ना है। मैं बहुत मनहूस हूं, इसलिए तुम्हें इंडिया छोड़ के इटली चला गया और सिर्फ मनहूस चीजों की पेंटिंग बनाने लगा। बस यो ही तो करी तुमने मिस्टेक। तुम मनहूस ना हो, तुम टैलेंटेड आर्टिस्ट हो और तुम्हें जो है बढ़िया बनानी चाहिए थी। तुमने अपनी पेंटिंग वगैरह तुमने बनाए चिमगादड़ और काली बिल्ली और ये वो मनुष्यत ना, किस लिए? बढ़िया पेंटिंग बनाते भारत देश का नाम रोशन होता है हमारे का। अच्छा, तो तुम मुझसे अपनी पेंटिंग बनवाओगी क्या? ऐसे ही वसुंधरा की तरह ऐसे ही साड़ी पहन के? बाबा, अगर उससे तुम्हारा पागलपन दूर होवे तो मैं अपनी पेंटिंग जरूर बनवाऊंगी। वो पेंटर चीख चीख के कह रहा था कि हम मनुष्य हैं। तो उसने कब कहा कि आप मनुष्य हैं? है, है। अबे, वो कह रहा था कि वो मनुष्य है जिसकी भी पेंटिंग बनाता है वो दुनिया से निकल लेता है, लेकिन मिस चौटाला को उसी से जाकर पेंटिंग बनवानी है। हमारी बात नहीं मान रही मिस चौटाला आप। मैडम सर सही कह रहे हैं। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? मैडम आप उस आदमी से पेंटिंग नहीं बनवाएंगे। मैडम वो कैसा आदमी है, सारी बातें पहेली में करता है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है कुछ समझ में नहीं आता है। मैडम आप वहां नहीं जाएंगी। मैडम नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी बस। और अगर आपको वहां पे जाना है मैडम तो आपको थप्पड़ों की बरसात मुझ पे करके गुजरना होगा। आप जा सकती हैं मैडम। वेल मॉम, मैं नहीं दूंगा आपको जाने इज्जा। आप चाहे लाख दो मुझे ताने इज्जा। भाई हम कौन हो बे तुम्हें ताना देने वाले? हु आर वी? भाई तू तो जो है मेन काइंड पे खुद बहुत बड़ा ताना है तू। वाला अबे तू उस मिट्टी का जो है। ठीक है जी जी, सदके जाओ जाओ। अबे मिस शोरल, हमने कह दिया आप नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी बस। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा संसार उजड़ जाएगा। एक्सक्यूज मी, हमारा कहने का ये मतलब है चौकी का संसार उजड़ जाएगा। या मैडम, मैंने सोचा था कि इस बार राखी पे दीदी के साथ साथ आपसे भी मैं राखी बनवाऊंगा। हाय हाय, लेकिन ऐसा तो तब होगा ना जब आप जिंदा रहेंगी, क्योंकि उस पेंटर से पेंटिंग बनवाने का मतलब है मौत। सर आप बनवा लीजिए अपनी पेंटिंग उससे। हम जा रहे हैं मिस चौटाला पेंटिंग बनवाने। अबे मंदिर जा रहे हैं बे, मिस चौटाला की सलामती की पूजा करने के लिए। ये तो हमारी बात मानेंगे नहीं। आखिर हम इनके है ही कौन? अपना बाबा, मैं आ गई हूँ रेडी हो के पेंटिंग बनवाने, साड़ी वाड़ी पहन के। बाबा, अरे मिक्की मनहूस जी, हेलो। अबे ये इस कमरे की हालत ऐसे कैसे हो रखी से? टेबल उल्टी, सब पेंटिंग उथल पुथल। Thank you.
आज तारीख है 17, मुझे है खतरा। आज तारीख है 17, मुझे है खतरा। ज्यादा मत सोच, जवाब देगी तोते की चोंच। यो तो कोई पहेली दिखे मने। तोते की चोंच, तोता तोता। जवाब देगी तोते की चोंच। आज तारीख है 17, मुझे है खतरा। आज तारीख है 17, मुझे है खतरा। ज्यादा मत ज्यादा मत सोच, जवाब देगी तोते की चोंच। हो ना हो, जवाब इसी तोते में। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम मतलब आप ही बताइए कि आलू के बिना आलू की कचौड़ी में क्या जान, नहीं बेसन के बिना बेसन की पकौड़ी में क्या जान। मैडम नकली है ये तोता, इससे कुछ नहीं होता। जब इसमें जान ही नहीं है तो ये क्या बोलेगा, क्या बताएगा। मैडम 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 फैन हिल रहा है। अबे यार थारे को एक बार तमीज से प्यार से विद एटिक्वेट मैंने समझाई कि तुम्हारे जो है शादियों वगैरह में हम ना करते, सिक्योरिटी पुलिस वाले हैं हम, तो तुम्हारे दिमाग के रेगिस्तान में फूल ना उग रहा जब तक कोई कैजुअल्टी ना हो जाए यहाँ पर। अरे मैडम आप बात को समझ नहीं रही है। देखिए देखिए संगीत हो गया है, आज तिलक है और कल शादी है, फैन हिल रहा है और मैडम ऊपर से सेठ झाड़ू मल भी आ गए हैं, फैन हिल रहा है। अच्छा उनको भी किसी ने पीटा था? अरे नहीं, उनका तो किसी ने मुंह काला कर दिया था। मैडम जी हमारे मेहमान अगर पिट पिटा गए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। मैडम जी पता है हमारे वो जो लखीमपुर वाले जो जीजा जी हैं उनकी तो जेब ही काट ली किसी ने, और वो जो इतरसी वाली जो पुन्नू मौसी हैं उनका तो पर्स चुरा लिया किसी ने। जेब पोस कैसा है? देखे 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 देखे। और मैडम जी असल में बात तो ये है कि वो जो हमारी बनारस वाली जो, अबे कितना यार, एक मिनट थमले, बिल्कुल जो है रट्टू तोता बैटरी वाले की तरह टक 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 इसकी चोंच ना बन। गुलगुले जरा इसमें देख, इसमें बैटरी लगी है। बैटरी की जगह तो है पर बैटरी नहीं है मैडम। अबे बैटरी ना तो बात आ गई, बैटिंग फारिस में डालो बैटरी। मैं अरे मैडम यहाँ हमारा केस सुनने की बजाय है जी आप ये तोते में बैटरी डलवा रही है, फैन हिल रहा है। अबे बब्बू गोसे की शक्ल के निकल लो यहाँ से, वरना तुम्हारी तीनों की बैटरियां खोल के मेज पर सजा दूंगी मैं। जी चलो यार, खदेड़ यार। अरे जा, 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 अरे अरे जा, 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 चलो। मैडम डाल दी बैटरी। वेल बैटरी करो ऑन इज द, खुले है मेरे कान इज द। क्या पानी आपके पीछे है?
मैडम जरा भूगोल देखे मैडम इस तोते का, कह रहे जापान न्यूयॉर्क के पीछे। मैडम जापान न्यूयॉर्क के पीछे कैसे हो सकता है? हाँ मैडम, जापान तो पाकिस्तान के पीछे, जापान तो पाकिस्तान के पीछे है ना भैया? वेल आई थिंक जापान लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है। जापान न्यूयॉर्क के पीछे है, एक कुल्लू है। मनाली? कुल्लू माने कुल्लू माने हिंट। ओ मतलब क्लू, कुल्लू। जापान न्यूयॉर्क के पीछे है, यो एक कुल्लू है, अगर इसे हमने जो है तोड़ दिया तो हम पेंटर तक पहुंच जाएंगे। जापान न्यूयॉर्क के पीछे है, जापान। क्या बात है मिस चौड़ाला, बड़ी परेशान लग रही है। हाँ सर, हमें जो है ना एक कुल्लू मिला है, जो ये तोता बोल रहा है जापान न्यूयॉर्क के पीछे है, और मन ने लग रहा है कि सर इसको अगर हम फोड़ दें इस हिंट को तो हम पहुंच जाएंगे सर उस पेंटर के पास। पर समझ ना आ रहा सर, जापान न्यूयॉर्क के पीछे काफी कठिन, मतलब जापान न्यूयॉर्क के पीछे, अपना न्यूयॉर्क के पीछे कौन सा देश आवे? जापान, 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 जापान। अबे जापान से याद आया, जहाँ हमारे लिए पान लेकर आवे। जापान न्यूयॉर्क के पीछे है, जापान, जापान न्यूयॉर्क के पीछे, चौड़ाला न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट के पीछे वो पान की दुकान है कहीं, ऐसा तो नहीं कि वो जापान न्यूयॉर्क के पीछे? वो चिटपुड़ियागंज वाला रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क है, 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 है। अरे हाँ, उसके पीछे है तो एक पान की दुकान। असाजी नमस्कार। सब्जी बताइए आप कौन सा पान खाएंगे? अरे भाई कलकतिया, बनारसी, देसी या मघई, कन्याकुमारी, सब सुपारी। एक मिनट एक मिनट, हाँ। पान हम नहीं खाएंगे। हाँ तुम जरा ये देख के बताओ, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ शाहरुख खान। क्या? अरे यार थैंक यू यार, तुमने मुझे शाहरुख खान कहा, शाहरुख खान जैसा लग रहा हूँ मैं। ओ अरे हमने आपको शाहरुख खान नहीं कहा, अरे ये फोटो देख के हमने कहा कन्याकुमारी सौंफ सुपारी। तुम्हें दिख रहा है ये शाहरुख खान इज्दा, अच्छा है तुम लगाते हो पान इज्दा। गौर से देखो ये शाहरुख खान नहीं है, देखो फिर से। अच्छा ठीक है, लो भैया कन्याकुमारी सौंफ सुपारी। शाहरुख खान, हाँ हमने तुमको पहचान गए। खाओ देसी घी इस द। अरे दादाजी ये सलमान खान है, ये सलमान खान की फोटो है, कन्याकुमारी सौंफ सुपारी। वाह भाई वाह यार, ये आदमी सलमान। ये लो। अरे हेलो भाई साहब, हमारी आंखें तो यहाँ थी। वो सब ठीक है, आप देखो जरा और बताओ पहचानते हो कि नहीं। बता रहा हूँ यार, ये फोटो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे साहब जी, अरे हम तो इसको पहचान गए। हाँ हाँ, अरे ये जो आदमी है ना, ये हमारी दुकान पे आया था और इसने जो है हमको एक चिट्ठी दी थी, और चिट्ठी देके इसने हमसे ये कहा था कि भाई इसको जो है किसी चंद्रमुखी चौटाला को दे देना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।